बिलासपुर में ट्रांस जेंडर के अधिकारियों को संरक्षण के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था ट्रांसजेंडर को मुख्य धारा से जोड़ना और उसे समाज में सम्मान अधिकार मिल सके, साथ ही शासन की समस्त योजनाओं का लाभ भी उन्हें मिल सके। इस उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजन किया गया था। बिलासपुर से प्रीति सोनी की रिपोर्ट। गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ की मेंबर हूँ और आज जो है वो जिला स्तरीय जागरूकता और संवेदीकरण कार्यशाला थी। ट्रांसजेंडर कानून आया है 2019 में और उसके नियम बने हैं 2020 में। इस चीज़ को लेके हर ज़िले पे पुलिस के साथ में सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप हो रहा है, अवेयरनेस वर्कशॉप हो रहा है, ताकि ट्रांसजेंडरों के साथ जो भी हिंसा हो, चाहे वो घरेलू हिंसा हो या कोई बाहर से भी उनको पीड़ित करे या शोषित करे, तो उसके लिए एक तरह से उसको जस्टिस मिले, इसलिए हर जगह इस कानून को लेके हम अवेयरनेस वर्कशॉप कर रहे हैं। आपका परिचय बताइए। जी, मेरा नाम विद्या राजपूत है और मैं ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ की मेंबर हूँ। अभी जो हाल में ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 आया है वो लागू हुआ है, उसके संदर्भ में पुलिस विभाग एवं एनजीओ को सेंसिटाइज करने के लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें समाज कल्याण विभाग से रिसोर्स पर्सन के रूप में ट्रांसजेंडर समुदाय से एक्सपर्ट आए हुए थे। उन्होंने इस एक्ट के बारे में समस्त जिले के पुलिस स्टाफ को सेंसिटाइज किया है। इसके अलावा एनजीओ से भी चर्चा की गई है और भविष्य में जब भी आईपीसी के साथ संबंधित धाराओं का उपयोग किया जाएगा और एनजीओ के साथ मिलकर टीजी जो वर्ग है उसके विकास उत्थान के लिए कार्य किया जाएगा। कार्यशाला जो है काफ़ी फ्रूटफुल रही और काफ़ी सराहा गया है। जी देखिए, ट्रांसजेंडर को लेकर ये बैठक की गई है और बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ें बताई गई हैं। ट्रांसजेंडर जो कि समाज से कटे हुए हैं उन्हें जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और जो कानून नए कानून बनाए गए हैं पुलिस को उसके बारे में वर्कशॉप किया गया है, पुलिस का वर्कशॉप किया गया है और उसमें एनजीओस को और बाकी लोगों को आम लोगों को कनेक्ट करने के लिए वर्कशॉप किया गया है। तो बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया है कि कैसे हम ट्रांसजेंडर को अपने समाज से जोड़ सकते हैं। अखिलेश पांडे, एक्टर।